few years back, मैंने अपने लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट decisions लिए. First one was quitting my job as a senior electrical engineer from India's largest construction company and started preparing for Indian engineering service. Second जो important decisions था वो I joined a gym for the first time in my life. And today, I am working as an assistant executive engineer in Department of Energy, Odisha. And I look like this from this. इस वाले पिक्चर में मेरा काफी चेंजेस हुआ है बॉडी में, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज यू कैन सी इज माई चेस्ट. इस साइड में मेरा चेस्ट आप देखो और इस साइड में मेरा चेस्ट आप देखो, काफी डिफाइंड सा लगेगा ये वाला पिक्चर आपको, और ये वाला पिक्चर में काफी मैन बूब्स टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. इस वीडियो में मैं यही इशू एड्रेस करने वाला हूँ. मैन बूब्स जो ह्यूमंस जो बहुत लोग फेस करते हैं और उनको लगता है कि वो ऑकवर्ड लग रहा है, दे आर लुकिंग लाइक गर्लिश काइंड ऑफ चेस्ट है उनके पास, और हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट. स्टेप बाई स्टेप आई विल गाइड यू थ्रू ऑल द पॉइंट्स. काइंडली वीडियो को एंड तक देखें. द मोस्ट इंपोर्टेंट टिप जो है मैं वीडियो के एंड में दूंगा. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब. फिटनेस कंटेंट मैं कंटिन्यूअसली लाते रहता हूँ. नाउ ये जो मैन बूब्स आते हैं उसके कॉजेस में हम लोग पहले देखते हैं जो लीस्ट पॉसिबल कॉज है, जो मैक्सिमम लोग एज्यूम करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, दैट्स गायनाकोमेस्टिया. ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, हम लोग के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है ड्यू टू एनी रीजन लाइक एक्सटर्नल मेडिकेशन फैक्टर या फिर डाइट या कुछ भी, अगर जो एक्सटर्नली आपके बॉडी में इंजेक्ट हुआ है और आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज कर रहा है, देन ब्रेस्ट टिश्यूज ग्रो करने लगते हैं जिससे हम लोग का मैन बूब्स टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है. अब 99% केस में जो कॉज होता है वो है हम लोगों का जब बॉडी फैट लेवल इंक्रीज होता है तो वो हर जगह पे स्टोर होता है. फीमेल्स का नॉर्मली थाइज और क्वाड्स इस सब जगह पे जल्दी स्टोर होता है, कुछ लोगों का चेस्ट में जल्दी स्टोर होता है. अब अगर आप सोचो चेस्ट के ऊपर एक फैट का अगर लेयर वहां पे आ जाएगा तो डेफिनेटली इट विल लुक लाइक योर चेस्ट हैज बीन स्वोलन. मेरे केस में भी यही हुआ था. आई हैड अ रियली बैड हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड, मैं बाहर बहुत खाया करता था एंड समटाइम्स तो मैं वरीड ही हो गया कि मुझे कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, बिकॉज टी शर्ट्स अगर मैं टाइट पहन लेता तो मैं अजीब दिखता था वहां पे. आफ्टर दैट आई लेफ्ट माई जॉब, ज्वाइंड द जिम. जिम में कुछ साल वर्कआउट करने के बाद मुझे एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम था मेरा मैन बूब्स का वो मुझे समझ में आया. एंड नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर इट हैज बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड. नाउ आई हैव अ वेल डिफाइंड चेस्ट. सो कैसे मैं वहां से यहां तक पहुंचा मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ. फर्स्ट थिंग इज गेट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, आपको जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा. हेल्दी फूड मतलब हम लोग एसोसिएट करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स ही होगा, रोटी सब्जी घर में बनने वाला खाना, और जंक फूड मतलब एनी काइंड ऑफ पैकेज्ड फूड. या दैट्स ट्रू, बट हम लोग ये सोच लेते हैं अगर 10 रुपए का एक लेज हम लोग खा लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 10 रुपए का छोटा सा ही तो लेज है, उसमें कितना आ जाएगा क्या चीज. एक 10 रुपए का लेज का जो चिप्स आता है उसमें रफली 200 कैलोरीज रहते हैं. 100 ग्राम्स का सोया स्टिक जिसको मैं एक दिन में पूरा पैकेट खा लेता था, बट उसमें 554 कैलोरीज है. अगर दिन में 2000 कैलोरीज आपका बजट है, 700 कैलोरीज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फूड व्हिच इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स. वो सब चीज आप नॉर्मल खाने से पूरा कर रहे हो तो आप अलग से 2000 कैलोरीज खा रहे हो, और इनका जो कैलोरीज है वो आप काउंट नहीं कर रहे हो, जो कि आप सोच रहे हो कि बहुत कम है, लेकिन एग्जैक्टली बहुत कम नहीं है. ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर टोटल इंटेक है वो. ये एग्जैक्ट रीजन था जो मेरे केस में हुआ, और मुझे लगता है 90% केस पीपल के साथ यही होता है. जो लोग सोचते हैं वो हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी तो खाते हैं बट ये सब फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते. कभी कभार 8-10 दिन में एक कुकीज ले लिया, एक पैकेट चिप्स खा लिया, इट्स परमिसिबल. हर दिन के बेसिस पे आपको ये नहीं खाना है. सेकेंड थिंग स्टार्ट है वर्कआउट रेजीम. मैं अपने केस में बोल रहा हूँ, मैंने पहली बार फ्यू इयर्स बैक जब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सेम डे मैंने जिम ज्वाइन किया. मैं ये नहीं बोल रहा आप सबको जिम ज्वाइन करना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग गेट इनटू ए वर्कआउट रेजीम. कुछ भी पर डे आप वॉकिंग, आपको पसंद है वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो. जो डिफरेंट डिफरेंट अभी ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं लोगों के, वो ऑनलाइन में आपको सिखा रहे हैं घर बैठे कैसे वर्कआउट कर रहे हो, यू कैन डू दैट. होम वर्कआउट ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस सेंटर्स खुल गए हैं. बॉडी वेट वर्कआउट, डंबल बारबेल लेके भी आप वर्कआउट कर सकते हो, जुम्बा एरोबिक्स कुछ भी जो आपको पसंद है आप उस पे जाओ. पर डे 8,000-9,000 स्टेप्स आप डिसाइड कर करके उतना तो मुझे चलना ही है, और उसके साथ 30-40 मिनट्स कोई भी एक टाइप का हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी आप यू गेट इन टू दैट. बिकॉज खाने से जो आप कैलोरीज ये अननेसेसरी जंक फूड हटा के जितना कैलोरीज आप बचाओगे ये उसको एक्सिलरेट करेगा. एक्स्ट्रा
300-400 कैलोरीज आप वर्कआउट से, चलने से, वॉकिंग से बर्न करोगे। आपका जो बॉडी फैट लेवल का जो रिडक्शन है वो जल्दी होगा। धीरे धीरे जब पूरे बॉडी से फैट कमने लगेगा तो आपके चेस्ट से भी फैट कम होगा और बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट्स दिखेंगे। नाउ थर्ड थिंग, डोंट लिसन टू दोज मिथ्स। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा 5 मिनट्स चेस्ट फैट बर्न वर्कआउट, वो सब आपके चेस्ट फैट बर्न नहीं करेंगे। हम लोग का मिथ है कि अगर आप पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट को स्ट्रेस दे के ट्रेन कर रहे हो तो वहां से आपका फैट लॉस हो। बिलीव मी, मुझे 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस है जिम का एंड दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। आपका चेस्ट का एक्सरसाइज आप कर रहे हो, इसका मतलब आपके चेस्ट के जो टिश्यूज हैं, आपके चेस्ट का जो मसल है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एंड एनी हाउ आपका चेस्ट को वो डिफाइन करने में हेल्प करेगा। लेकिन इफ यू आर नॉट गोइंग इन टू कैलोरी डेफिसिट, जितना खा रहे हो उससे ज्यादा अगर बर्न नहीं कर रहे हो, देन आपका बॉडी फैट लेवल कभी भी कम नहीं होगा। जब पूरे बॉडी से फैट कम होगा, जिस जगह पे ज्यादा फैट है, इन योर केस आपके चेस्ट में अगर ज्यादा फैट है तो वहां से जल्दी कम होगा, और जहां पे कम फैट है वहां से धीरे धीरे कम होगा। नाउ एज प्रॉमिस्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव इट टू यू इज नेवर गिव अप, बी पेशेंट। इसमें टाइम लगेगा, बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला। सुबह उठ के ग्रीन टी पीने से आपका फैट बर्न नहीं होगा, ग्रीन टी हैज अदर बेनिफिट्स, बट इससे आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। गर्म वाटर में अगर आप हनी मिला के पी रहे हो उससे आपका चेस्ट फैट बर्न नहीं होने वाला, ना ही स्मार्ट सोना बेल्ट से कम होने वाला है, ना ही ये जो 5-10 मिनट वाला हाई इंटेंसिटी चेस्ट फैट बर्न वर्कआउट होता है इससे कम होने वाला है। जो जो आगे आपको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, बी पेशेंट, 6 months to 1 year टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे आपको मजा आने लगेगा, जब आपको मजा आएगा आपको और अच्छा और अच्छे से परफॉर्म करने को इंस्पिरेशन मिलेगा। हर जगह पे ही होता है, पहले आपको रिजल्ट्स दिखते हैं फिर इंस्पिरेशन आता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट टिल द पॉइंट यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस somebody gave me and now I'm passing it to you। इस वीडियो में इतना ही, होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट चेस्ट फैट एंड ऑल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू गिव अ कमेंट क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू एज मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।